नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे थे गणित की संख्याएं। गणित की संख्याएं अपनी चारों कंप्लीट हो चुकी है। अब अपना टॉपिक है अगला दशमलव। दशमलव अपने जो बेसिक गणित है उसमें बहुत ज्यादा काम में आता है, कभी कभी अपने को दिक्कतें कर देता है। तो इसमें आपको पहले जानते हैं इसका चिन्ह कैसा होता है। इसका चिन्ह होता है ऐसा, इसे हिंदी में बोलते हैं बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, और मैथ की भाषा में इसको बोलते हैं अपन दशमलव। तो आपने बहुत सी ऐसी संख्याएं देखी होगी जैसे 35 और कुछ ऐसा होता है, और इसे अपन बोल देते हैं 52। इसको बोलने का तरीका है 35.52 बोलते हैं इसको। अगली बात आपको एक तो बात ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं जैसे 5.2, तो दोनों तरफ अपन मन से कितने भी जीरो लगा सकते हैं दोनों पक्षों में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात कि पॉइंट के बाद में, जैसे मान लो पॉइंट से पहले जो संख्याएं होती है अंक होते हैं अपने, तो पॉइंट से पहले जो अंक है इसे बोलते हैं अपन इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे 10,000, लाख, करोड़, ऐसे आगे तक अपन पहुंचते हैं। अब जो पॉइंट के बाद में उधर होता है जो पहला अंक होता है इस तरफ, इसे बोलते हैं अपन दशांश। सेकंड वाले को बोलते हैं शतांश, और इसे शतांश। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे सीखेंगे जैसे अपन ने सिंपल संख्याओं में देखा था, पहले जोड़, फिर घटाओ, फिर गुणा, फिर भाग। अब अपन सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का, पहले जोड़, फिर घटाओ, फिर गुणा, फिर भाग। उतारे इसे थोड़ा सा। दशमलव में अपना पहला पार्ट है दशमलव वाली संख्याओं का योग या जोड़ना, यानी जो पॉइंट वाली संख्या है तो अपन कैसे जोड़ेंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने है। पहले सिंपल अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए अपने को, तो अपन सिंपली इनको जोड़ सकते हैं। जैसे पॉइंट के बाद में 5 है, पॉइंट भी 3 है, तो इनको अपने को जोड़ना है। तो मैंने आपको पहले जोड़ना सिखा रखा है पीछे वाली क्लास में। अगर आपने पीछे वाली क्लास से नहीं ली तो पहले उन्हें ले, तभी आपके जो ये क्लासे है जो आगे आएगी वो आपके समझ में आएगी। कंटिन्यू आपको क्लासे ज्वाइन करनी है, लेनी है, उसमें आपको समझ में आसानी, समझने में आसानी रहेगी आपकी। ठीक है, तो पहले आप उन सिंपल जोड़ना जानते हैं। अगर पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट है तो आप भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। तो मान लो भूल गए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो अपने को सिंपल जोड़ आता है। सिंपल जोड़ आता है 5 और 3 8 4 और 6 10, ऐसी लग गई 1 1 8 9 9 2 11। ये हो गया अपने सिंपल जोड़ कंप्लीट। अब अपने को पता है पॉइंट आते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट बिल्कुल सिद्ध में है, तो पॉइंट की ही सिद्ध में अपने को यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इसको और इसको जोड़ा तो 8 है, इसको और इसको जोड़ा तो 10 का 0 है, तो इसके बीच में क्या लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगी। इसमें देखो जब अपने पास दो अंक हो इधर, वही प्रोसीजर सिंपल है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट होना चाहिए। अगर पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट है तो अपने साइकिल दिमाग में भूल जाना कि पॉइंट है ही नहीं, सिंपल जोड़ कर लेंगे। तो ये सिंपल जोड़ है, तो 9 और 4 13 13 का 3, हासिल लग गई 1, 5 और 8 13 13 और 1 14, हासिल लग गई 1, 9 2 11 11 और 1 12 12 का 2, हासिल लग गई 1, 6 6 12 12 और 1 13। कंप्लीट सिंपल जोड़ हो गया अपने। अब अपने को पता है पॉइंट कहाँ थी, सर यहाँ थी पॉइंट। ठीक है, अब अपन पॉइंट की सिद्ध में क्या लगाए देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये
ये हो जाएगा अपने जैसे चौथी पांचवी क्लास में या छठी क्लास में अपने सिंपली लिखा हुआ जाता है, लेकिन अगर अपने जब बड़ी क्लास में थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के आएगा आपके इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी अपन कम कर लेंगे। तो पहला काम आपको ध्यान से ये करना है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या आपके पास है 4.5, इसको ध्यान से लिखेंगे अपन, ठीक है। अब दूसरी वाली संख्या ये तो कंप्लीट, अब इसका नंबर है, तो पहले अपने को पॉइंट देखना है कि पॉइंट है कहां पे, तो पॉइंट को पहले पॉइंट की सीध में लिखेंगे, पॉइंट को पॉइंट की सीध में लिखेंगे, तो पॉइंट के इधर कौन है 9, इस अंक के नीचे बिल्कुल सीध में लिखेंगे, और पॉइंट के इधर कौन है 8, कंप्लीट दोनों को लिख लिया और जोड़ देंगे। जैसे अपन ने यहां जोड़ा, पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो ऐसे 5 और 9 चौदह अस्सी लग गई, 1 1 4 5 5 और 8 13 पॉइंट कहाँ थी, यहाँ पे थी पॉइंट की सिद्ध में, पॉइंट ध्यान रखना पॉइंट बिल्कुल सिद्ध में होनी चाहिए, और एक संख्या में एक ही पॉइंट होता है। अब अगला सवाल ये, इसमें भी वही पहली जो संख्या है उसको ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। अब जो अगला सवाल है, सॉरी अगला संख्या है, तो उसकी पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट लिखेंगे, उसकी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट उधर कौन है 2, फिर 5, इधर कौन है 6, और सिंपली जोड़ लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट होना चाहिए जोड़ने में, तो पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल जोड़ बन जाएगा अपने, क्या बन जाएगा सिंपल जोड़, इसको अपन जोड़ लेंगे, 5 5 10 ऐसी लग गई, 1 1 4 5 5 और 2 7 6 और 9 15। पॉइंट यहाँ था सर, यहाँ पे था पॉइंट, क्या करेंगे पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट को लिख देंगे, हो जाएगा अपने पॉइंटों का जोड़। अब थोड़ा सा कठिन आता है, अपने एक सवाल है, ध्यान से सुनना है, ज्यादा कठिन तो कुछ नहीं होता, बस ध्यान से सुनना है आपको। पहली जो संख्या है इसको ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। अब अगले वाले जो है इसको अपने को ध्यान से देखना है, तो पॉइंट कहां पे, ये रहा सर पॉइंट, पहला काम पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट लिख दो, पहले पॉइंट लिख देंगे। अब पॉइंट के जस्ट उधर कौन है 0 0, फिर कौन है 8, फिर 5, अब पॉइंट के जस्ट इधर कौन है 4, फिर 2, फिर 5, कंप्लीट। अब तीसरी संख्या देखो ये है, यहां पॉइंट कहां पे, ये रहा सर पॉइंट, वही काम कि पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट अपने को लिखना है, पॉइंट के जस्ट उधर कौन है 9, पॉइंट के जस्ट उधर कौन है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, और इनका अपन ये हो गया, और इनको अपन जोड़ लेंगे। या मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि पॉइंट वाली संख्याओं में अपन दोनों पक्षों में कितने भी मन से जीरो लगा सकते हैं, तो देखो पॉइंट के बाद में मैक्सिमम कितने अंक है 1 2 3, इसमें 3 अंक है, बाकियों में कम है, तो जो है उनमें अपन कम है जिनमें बराबर कर लेंगे, मन से जीरो लगा दिया, इधर भी क्या लगा देंगे मन से जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब अपने इस पक्ष में देखो तो इस वाली संख्या में कितने अंक है 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक है, और बाकी जो है संख्या है उनमें क्या है अंक अपने कम है, तो क्या करेंगे अपन इस तरफ भी बराबर अंक बनाने के लिए अपन क्या करेंगे मन से जीरो लगा देंगे, ठीक है, और अपने इनको क्या कर लेंगे सिंपली जोड़ लेंगे। ये इसलिए करते हैं कि अपने को जोड़ने में आसानी रहे, जोड़ने में क्या रहे आसानी रहे, जैसे 0 और 5 0, फिर 0 जोड़ा तो 5 ही रहेगा, ये ऐसे की ऐसे कंप्लीट। 5 और 8 13, 13 और 0 13 का 3, 3 का जाएगा
यहाँ पे और एक जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो 9 और 0 9, 9 और 2 11, 11 एक 12, ऐसे लग गई 1, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और एक 12, ऐसे लग गई 1, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और एक 15, ऐसे लग गई 1, 5 और 5 10, 10 और 0 10, 10 और एक 11, 11 का एक ऐसे लग गई 1, 7 इसमें कुछ है ही नहीं और एक, और ये हो गया अपना जोड़। अब आपको ध्यान से पॉइंट लगानी है, बस मेन पॉइंट ये है, मैंने कहा था आपसे बस पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट होना चाहिए, बस यही इम्पोर्टेंट है पॉइंटों के जोड़ में, बाकी सिंपली जोड़ होते हैं वैसे इनको जोड़ते हैं अपन। अब पॉइंट लगाना, पॉइंट ऐसे चल गए और पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट ये अपने को लगाना है, ध्यान से अंकों को जोड़ना है। इसके नीचे ये इसका जो जोड़ने पे जो अंक है वो यहाँ लिखना है और इसका यहाँ पे लिखना है, आगे पीछे कर दोगे तो आपका सवाल जो आंसर है अपने वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सिंपली दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपन दशमलव वाली संख्याओं का कटाव। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, बच्चों तक भेजें, किसी जरूरतमंद या जिसकी गणित कमजोर हो उसे जरूर बताएं। धन्यवाद।